खून पतला उसी तरह साड़ी बीपी में इस पर शाम लेनी है, एक टेबलेट रोटी खाने तो बाद सवेरा एक राती सहने लें, ठीक है। एक तो मैं उधर ये सुबह खाना खाना ये लो को कितना साल हो गए फौज में? तीन में गए थे तो आपके मैदे में दिक्कत होती है? ये पर्ची नहीं लो, बंद हो जैसा दिन में कोई और दमे की दवाई, कोई बीपी शुगर की दवाई खाते हो? ये ताकती की दवाई लिखी बताइए क्या होता है? थोड़ा जो जो काला काला दिख रहा है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनमीत है। तो बताइए, आज हमने इन कोलैबोरेशन विद द आर्मी आज हमने यहाँ पे दरबार टेड़मा पंचायत में एक मेडिकल कैंप रखा है, जहाँ पर हमारे पास दो सिविल डॉक्टर्स हैं, एक आर्मी के डॉक्टर हैं और एक आर्मी के ही डेंटल डॉक्टर्स भी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ड्रग्स की, मेडिसिन की, तो काफ़ी लोग आए हैं लोकल जितने भी हैं। मैं मोहम्मद सदीक बघियाल दारा से हूँ। जो यहाँ पे गढ़ी बटालियन की तरफ से जो कैंप लगाया गया है मेडिकल कैंप, तो इसमें हमारे सिविल ही डॉक्टर लाए गए हैं, तो हमारे लोगों को इसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जो गांव है, एक तो पुंछ में लोग जा नहीं सकते, दूसरा यहाँ पे जो लोग आए हैं नज़दीक है उसके लिए सभी औरतें बच्चे बुज़ुर्ग आएंगे और दवाई लेंगे, तो ले भी रहे हैं सभी लोग, यहाँ पे दवाई ले रहे हैं, तो इसका जो है फ़ायदा यहाँ के लोगों को, यहाँ के आवाम को इसका फ़ायदा ज़रूर हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले टाइम में भी ऐसे कैंप होने चाहिए जिनकी निस्बत से लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो मैं फिर से शुक्रिया अदा करूंगा अपने कमांडिंग ऑफिसर गढ़ी बटालियन का कि दोबारा भी ऐसे कैंप जो है हर महीने में कैंप होने चाहिए ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। जी, मेरा नाम मोहम्मद रजाक और मैं डलान गांव से हूं, और ये जो कैंप आर्मी ने लगाया है लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है, और ये कैंप बिल्कुल LOC के ऊपर है, और हमारी फ़ौज हर वक्त हमारे सिविल लोगों के साथ शाना बशाना खड़ी रहती है। और हम लोगों को भी चाहिए कि हर वक्त हर मौके पे अपनी इंडियन आर्मी का साथ देना चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्मी देश के लिए बहुत बड़े काम कर रही है। और हमारे दादाजी थे जो, उनको अशोक चक्र भी मिला था, और उनके भी वक्तन वक्तन उनका भी नाम बहुत रोशन था, और आर्मी हमारे साथ बहुत बड़ा तावन कर रही है। और यही कहना चाहते हैं कि हर वक्त यहाँ पे ये ऐसे कैंप लगने चाहिए, और हम इंडियन आर्मी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं।